राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह 9 बजे की जो रिपोर्ट आई है उसमें दो और नए केस पाए गए हैं। पहला केस भीलवाड़ा का है जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और दूसरा केस अजमेर का है जहां पर भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में अब राजस्थान की बात करें तो पूरे प्रदेश में 52 केस कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और सबसे ज्यादा केस जो है वो भीलवाड़ा में 22, यानी कि भीलवाड़ा शहर अकेले में जो है 22 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद में नंबर आता है जयपुर का जहां 10 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं। जयपुर में जब कल से एक रामगंज इलाके में जब एक पॉजिटिव केस पाया गया उसके बाद में पूरे परकोटा इलाके में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। जहाँ तक बात करें पूरे शहर की तो जो पुराना जो शहर है जयपुर का परकोटा का जो इलाका है उसमें पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है और जयपुर शहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जयपुर शहर की जो बाहरी कॉलोनियां हैं चाहे अजमेर रोड के पास की हो चाहे आगरा रोड हो चाहे दिल्ली रोड हो सभी तरफ की जो बाहरी कॉलोनियां हैं उनमें भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। नंबर एक बात यह है कि जो सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है उसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि लोगों में बड़ा भय है कोरोना को लेकर के, उस लिहाज से भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। अब कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो घरों में, बच्चे जो है घरों की छतों पर खेल रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। जयपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए राम स्वरूप।